हाँ नहीं हमारे पास तो है जो आएंगे जिनके पास उनको भी दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहाँ है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ जी मैम किस तरह के एक मिनट देखिए जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है सरकारें आह्वान कर रही हैं कि लोग अपने घरों में ही रहें जहाँ तक कोशिश हो घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि संपर्क से ये वायरस फैलता है और मास्क लगा कर के रहें मुंह पर ढक के रखें छींकते और खांसते वक्त जो है रुमाल का इस्तेमाल करें और उसको फिर तुरंत धोएं अपने हाथ को कोई भी वस्तु छूने के बाद में अपने हाथ को ज़रूर धोएं और मुंह पर नाक पर और आंखों पर वो हाथ किसी तरह से ना छू पाए ऐसी कोशिश हमें रखनी चाहिए। अभी क्योंकि अजमेर ज़िले में धारा 144 लागू है इसलिए मेरा आग्रह है कि कहीं भी लोग जुटे नहीं और जो भी छोटे छोटे प्रतिष्ठान हैं अभी क्योंकि बहुत बड़े खतरे की बजाय हम ये थोड़े दिन की परेशानी सहन सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा यदि खतरा हो जाएगा तो उसको हमारे सहने से वो बाहर निकल जाएगा हमारे कंट्रोल से वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए अभी ऐतिहासिक तौर पर आज फिलहाल हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। कल जो देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि पूरा सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक जनता कर्फ्यू में रहें और कोशिश करें कि लोगों के से संपर्क ना करें संपर्क नहीं करना ही इसका उपाय है तभी ये चैन टूट सकती है। इसलिए हम दूसरे देशों से सबक लें और जनता को जागरूक करें लोग जागरूक बनें और जो लोग जागरूक हैं वो ऐसे लोगों को जागरूक करें जो जागरूक नहीं हैं और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसलिए जागरूकता के साथ में इस वायरस से हम यदि लड़ेंगे सब मिलकर के लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम भारत में इसको हरा पाएंगे। मैम लगातार अभी देखा जा रहा है वायरस। उनसे अपील करना चाहूँगी जो भी प्रतिष्ठान हैं जो भी चाय की दुकान वाले जो भी थड़ी वाले हैं जो घर की आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त जो दुकानें संचालित हैं उनको मेरा विनम्र आग्रह है खुद के लिए भी अपने परिवार के लिए भी और इस मानव जाति के लिए भी मेरा आग्रह है कि वो जब तक सरकार ने आग्रह किया है तब तक अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखें बहुत अति आवश्यक हो तभी अपने प्रतिष्ठान खोले खाने पीने की वस्तुओं के अतिरिक्त जो प्रतिष्ठान है उन्हें बंद कर देना चाहिए स्वेच्छा से बंद कर देना चाहिए। संदेश यही है लोगों से कि जितना ज़्यादा अगर आवश्यक ना हो तो अपने अपने घरों पर रहें वायरस बाहर निकलने से जितना आप लोगों के कॉन्टैक्ट में आएंगे उतना ही ज़्यादा खतरा बढ़ता जाता है तो आप घरों में रहें सुरक्षित रहें। आवश्यक जो सामानों की दुकानें वो तो खुली रहेंगी लेकिन लोगों में वो होड़ लगी हुई है कि आवश्यक सामान खरीदें दुकानें खुली रहेंगी बाकी जहाँ भी भीड़ भाड़ दिख रही है हम उनको जाके लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें और एक साथ इतनी भीड़ ना करें मास्क पहन के निकलें घर से बाहर और जो अनावश्यक कार्य के लिए बाहर ना निकलें। सर क्या संदेश है किस तरह की सावधानियाँ बरतें? सावधानी यही है कि अपने घरों पर रहें मास्क पहने अगर आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। नमस्कार मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आँख नाक और मुँह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। नमस्कार मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आँख नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें।
अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।